एक भारतीय बांग्लादेश नौकरी करने जाता है, शादीशुदा आदमी जिसके बच्चे हैं वो बांग्लादेश जाता है, वहाँ एक लड़की को अपनी झांसे में फंसाता है। ये बताता है कि उसकी शादी तो हुई थी लेकिन पहली पत्नी अब नहीं रही। वो हिंदू था, हिंदू है, बांग्लादेश में जाके अपना धर्म बदलता है। वहाँ पर चूँकि वो लड़की जो बांग्लादेश की लड़की है मुस्लिम है, धर्म बदल के शादी करता है। उस शादी से एक बच्चा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसकी बीबी भी जाती है बांग्लादेश, उस दूसरी पत्नी से मिलती जुलती भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो बांग्लादेश से वापस आता है, पहली दूसरी पत्नी से संबंध तोड़ लेता है। दूसरी पत्नी हिंदुस्तान आई है अपना हक मांगने, मांग रही है, कह रही है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति हो, मुझे पत्नी का हक दो, मेरे बच्चे को उसके पिता का हक दो। लेकिन वो अनसुना कर रहा है। तो ये कहानी है सोनिया अख्तर की, जो बांग्लादेश से हिंदुस्तान आई है अपने लिए और अपने बच्चे के का हक मांगने। सोनिया हमारे साथ हैं। सोनिया, ब्रीफली बताएं कि जब सौरभ तिवारी बांग्लादेश गए थे, आपकी मुलाकात कैसे? देखिए 2021 में मार्च में हुई है। वो 6 साल नौकरी किया कल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में, मल्टीनेशनल है। तो उन्होंने क्या है, मेरा जो कंपनी में, अलग कंपनी में नौकरी किया, कॉर्पोरेट जॉब, सीईओ मिस्टर जॉन, उनका नंबर देके कर दिया। तो मिस्टर जॉन से मेरा मीटिंग नहीं हुई, सौरभ जी से निकल उस दिन मेरे से प्रपोज किया डायरेक्टली, मैं मना भी कर दिया जो नहीं हो, जो प्रपोज किया था वो इमीडिएट कर दिया था कि समय लगा था उसमें? नहीं, उन्होंने इमीडिएट कर दिया था, उसके बाद समय लिया, उसके बाद उन्होंने टेक्निकली छोड़ा मेरा कंपनी में, एमडी को लिए, मैं जो रिश्तेदार सबको बता लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका धर्म बताइए, क्या कर रही थी मैं उस टाइम? तो नौकरी कट दी है ना। आप कितनी सैलरी थी उस समय? देखिए मेरा बेसिक सैलरी कम है, बट मेरा ऐसे या है 1 लाख है लगभग। अभी भी आप नौकरी कर रही हैं? नहीं, अभी मैंने जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, शादी के बाद मैंने नौकरी मेरे को यह कर दिया, छुड़ा दिया है, क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट हूँ तब भी मैंने नौकरी छोड़ दिया। उसके आगे क्या? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका खुद का धर्म 11 अप्रैल 2021 में बांग्लादेश कोर्ट जाकर उनका पासपोर्ट देके, उसमें भी बहुत सारा लॉयर ने उनको पूछा है, उन्होंने अपनी मर्जी से उन्होंने उसका खुद का धर्म चेंज कर दिया, उसका एविडेविट है, सब सारे प्रूफ है। उसके बाद 13 अप्रैल 2021 में अगरतला बॉर्डर पर भी आया है, अगरतला आके उसको शादी का कुछ सामान भी लेके गया। 14 अप्रैल 2021 में हमारा निकाह हुई है बांग्लादेश। होने के पहले आपको उसने क्या बताया था कि उसकी शादी हुई है, परिवार के बारे में क्या बताया? उन्होंने बोला है मम्मी पापा है, उसी टाइम पे मम्मी तो बीमार थी, और पापा है, और भैया है, सुनील कांत तिवारी, उसका बीबी है, उसका 2 बेटी है। और उसके बाद उनका जो पत्नी है बोला है, जब मैं मैरिड हूँ, मेरा पत्नी मर चुकी है, तो ये बात बच्चे के बारे में नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने, बोला है तो किसी को मत बताना। तो इससे पहले उन्होंने सारे मेरा कंपनी में हर जगह सब लोगों को, उनको इतना वैल्यू है, सब लोग उनको बहुत अच्छा जानती है, तो सब लोग ने मैं भी विश्वास कर लिया जो हो सकती है, जो हाँ मर चुके अब तो सिंगल है। तो उन्होंने बहुत प्यार जताया, अब धर्म ही चेंज कर दिया। मैंने बोला मेरे लिए तो धर्म ही चेंज कर दिया, तो ये तो मेरा मम्मी पापा के बाद कोई मेरे को बहुत प्यार करते, तो मेरा हस्बैंड है। अब एक बात बताइए, ये जो शादी हुई इसमें आपकी मर्जी थी या आपके मम्मी पापा परिवार की मर्जी थी? नहीं, मेरा भी थी, मेरा मम्मी और मेरा भाई का मर्जी थी, मेरा पापा का मर्जी नहीं थी। पापा क्या कह रहे थे? पापा उस टाइम पे बोला है भिनदेशी है, तो देखो उसके बाद उन्होंने मनाया, 2 महीने बाद मनाया मेरा हस्बैंड ने, क्योंकि आपके पापा मना कर रहे थे और ये तिवारी जी ने मनाया, क्योंकि पहले धर्म चेंज किया उन्होंने, ऐसा नहीं सिर्फ धर्म चेंज करके या नहीं है, उन्होंने मस्जिद भी गया है, सारा मुस्लिम का जितनी रीति रिवाज है सब पालन किया उन्होंने, सब हर एक सेकेंड मेरा साथ थी, हर एक कदम मेरा, जब भी मेरा शादी हुई है, जब भी मैं गाँव जाती हूँ वो मेरे साथ ही जाती। उसके बाद अब ये जो यहाँ वाली जो पत्नी, क्या नाम? रचना शर्मा को ये कब पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी? पहले से ही पता है उनको, देख उन्होंने उनका इस बेटा कपड़ा भी भेज दिया दोनों मिलके, चार जब गई रचना तिवारी यहाँ से गई, उस समय आप कभी साथ में रहे आप लोग? हाँ साथ में थी ना, रचना शर्मा मेरे साथ ही थी, एक ही घर में थी, कंपनी क्वार्टर में ही थी। कितने दिन तक?
मैं ओम पहले बार जाके मेरे साथ तो एक महीने तक थी, उसके बाद जाके उन्होंने मेरे को तो गांव भेज दिया उसी टाइम पे। उस टाइम पे मैं आके मेरे से मिली है, उसी टाइम पे उन्होंने अलग रहा क्योंकि बहुत सकते उनका जेलसी हो गया। उसके बाद लास्ट बार भी मेरे साथ थी, उनका बच्चा लेके भी मेरे। हाँ, तो आप जब ये गई रचना तो शुरू में ठीक था, बाद में कुछ जेलसी हो गई, कुछ संबंध खराब हुआ? ठीक था शुरू में, उन्होंने बहुत अच्छा था। शुरू में उन्होंने बताया मेरे को छोड़ के तेरे को शादी क्या, अरे अजय पति तेरे पास ही रह जाएगी। ठीक है, उन्होंने टेक्निकली उन्होंने उधर रह भी गया मेरे साथ, मैं देखा है मेरे सामने ही है, उनका बच्चा भी मेरे को छोटी मामी बुलाती है। लास्ट बार उन्होंने क्या बोला, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। जब लास्ट बार उन्होंने आया है बांग्लादेश, आया नवंबर में लास्ट 2022 में, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला है जे मैं चल एक काम करती हूँ तू भी डिवोर्स दे दे, मैं भी डिवोर्स दे दूंगी। मैंने बोला नहीं मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, बोला तो मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। उसके बाद इंडिया आने के बाद भी मेरे से फोन किया। किसको डिवोर्स देने की बात कर रहा था? पति को। बोला है मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी, तेरे को शादी किया मैं वो बांग्लादेश छोड़ के नहीं जाने वाला है, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। रचना तिवारी ने कहा कि अपने पति को डिवोर्स कर दे दूंगी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंडिया आने के बाद भी मेरे से बात किया फोन में, बोलती है जब मैंने 6 महीने लगेगी बच्चा का कस्टडी मेरे को मिल जाएगी, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। उसी टाइम पे मेरा मास्टर्स का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रही थी फाइनल, तो उन्होंने ऐसा बोला है। उसके बाद पति तो 24 दिसंबर 2022 में वापस आ गया, इससे पहले भी आया है 2-3 बार, अब वापस भी गया है। मैं सोचा फिर से भी आ जाएगी, बट उनके उसके बाद वो जा नहीं पा रही है, वो बोला है 1 महीने बाद आ जाऊंगी, नहीं गया। तो मैंने फ़ोन लगातार फ़ोन किया, ना खर्चा पानी दिया है, हाँ फ़ोन किया है वीडियो कॉल करके बच्चा को देखती थी। धीरे 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 करके कम हो गया। फिर मई में 1 तारीख में मैं 2023 में मैं आया इंडिया उनसे मिलने के लिए, तो तुम क्यों नहीं जा रही हो? उन्होंने बोला है मेरा एक्सीडेंट हुआ है, पैर का प्रॉब्लम है, सब बोला है, मैं देखने के लिए आया हूँ। उसके बाद उन्होंने 7 दिन बहुत अच्छा बिहेवियर किया, मेरे को घुमाया ताजमहल, मतलब हर जगह घुमाया, इंडिया मैंने फुल घूम लिया है, उन्होंने घुमाया फिर वापस भेज दिया जब मैं आ जाऊंगी तू चली जा बच्चे। तो तिवारी जी आपको इंडिया घुमा रहे थे उस समय, रचना तिवारी साथ में थी? हाँ नहीं नहीं, रचना तिवारी साथ में नहीं थी, दीदी के साथ में रह के आया शिवालिक में। उन्होंने वो जानती है, रचना तिवारी का साफ पता है, सब कुछ पता है, वो जानती है जब मैं आ चुकी हूँ, कब आया है, क्या है, सब जानती है। पति ने टिकट कराया सब उन्होंने जानती है, मेरे से मिली भी है पहले तो उन्होंने। पति ने टिकट कराया आपके आने का? टिकट पति ने जी, इंडिया आने का। इस बार जो मैं आया हूँ ये भी मेरा पति ने ही बुलाया है मेरे को। क्या कह के बुलाया था? मेरे को बुलाया क्योंकि वो आ नहीं रही है, वो रचना शर्मा जाने नहीं दे रही है, तो मेरे को बोला है तू आ जा क्योंकि मेरा अभी रिजल्ट भी दे दिया है। फिर मैंने बोला ठीक है, अब तो मेरा रिजल्ट आउट हो गया, मैं आ सकती हूँ। फिर बोला ठीक है आ जा बच्चे को लेके, मैं आया हूँ, मिली भी है। उसके बाद अब जब घर लेने की बात हुई है तब भी दिक्कत हो गया। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी तो मैं फिलहाल यहाँ रह रही हूँ दिल्ली में। दिल्ली में रह रही हैं, वहाँ पे रहने का खर्च वगैरह बाकी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? देखिए ये तो मैंने उधार करके मांग के किसी से हेल्प लेके चल रही हूँ। तिवारी की तरफ से कुछ नहीं? वो नहीं दे पा रही हैं क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया वो रचना शर्मा सब कुछ कैद करके रखा है। मतलब आपको क्या लग रहा है कि तिवारी और सौरभ तो चाहते हैं कि रखें? हाँ, आपको मेरे को 100% चाहते हैं। मेरे देखिए मेरा पति ऐसा नहीं हो सकती है, जो अपने ही खून से एक बाप कैसे उसके बाप एक बच्चा से मुंह मोड़ लेगी, ऐसा होती जो उसको देखा ही नहीं, अलग बात होती उसको साथ में नहीं। अभी बात और बताइए, पहली पत्नी को तो दूसरी पत्नी से तो दिक्कत होती ही होती है। रचना तिवारी गलत है कि सौरभ तिवारी गलत है? देखिए दोनों ही गलत है, एक इसीलिए बोलूंगी उन दोनों के अच्छा रिलेशन है तो उन्होंने शादी। वहाँ पे रहने का खर्च वगैरह बाकी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? देखिए ये तो मैंने उधार करके मांग के किसी से हेल्प लेके चल रही हूँ। तिवारी की तरफ से कुछ नहीं? वो नहीं दे पा रही हैं क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया वो रचना शर्मा सब कुछ कैद करके रखा है। मतलब आपको क्या लग रहा है कि तिवारी और सौरभ तो चाहते हैं कि रखें? हाँ, आपको मेरे को 100% चाहते हैं। मेरे देखिए मेरा पति ऐसा नहीं हो सकती है, जो अपने ही खून से एक बाप कैसे उसके बाप एक बच्चा से मुंह मोड़ लेगी, ऐसा होती जो उसको देखा ही नहीं, अलग बात होती उसको साथ में नहीं। अभी बात और बताइए, पहली पत्नी को तो दूसरी पत्नी से तो दिक्कत होती ही होती है। रचना तिवारी गलत है कि सौरभ तिवारी गलत है? देखिए दोनों ही गलत है, एक इसीलिए बोलूंगी उन दोनों के अच्छा रिलेशन है तो उन्होंने शादी क्यों किया, पहली बात। और दूसरी बात, रचना शर्मा सबको जानबूझ के जानती है, मिल के आया मेरे से, ऐसा नहीं है उनके बच्चा के, देखिए मैंने सारे प्रूफ दिखाऊंगी, फोटो है सब कुछ है, तो उन्होंने अब क्यों दिक्कत हो गया है? जब आप रह के आओ, वो भी तो मेरा देश है ना, वो भी तो मेरा समाज है ना, मैं कैसे टॉलरेट किया, अब क्यों दिक्कत है? जब आपको उसने बुलाया तिवारी ने, सौरभ तिवारी ने, आप जब आ रही थी तो आपके मन में क्या था कि आप जा रही हैं तो सौरभ तिवारी अपने घर में रखेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ नहीं नहीं ठीक तो थी सब कुछ, अभी आने के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई। जब मैंने बोला है मैं घर जाऊँ होटल में नहीं रहूँ, तो तभी प्रॉब्लम हो गया, तभी उसका बड़ा बेटा को भेज दिया होटल में, तभी उन्होंने क्या है घर जाने के लिए मना कर दिया। रचना शर्मा उसको मिलने ही नहीं देती है मेरे साथ, अगर फोन करती हूँ तो रचना शर्मा ही फ़ोन उठाती है, आप उल्टा सीधा भी मेरे को बताती है हाँ तू आके देखे करो कर, ये मेरा घर है, बहुत उल्टा सीधा बोलती है। ये तो हुई आपकी लड़ाई, अब क्या चाहती क्या है आप
चाहती क्या, मतलब ये सवाल बड़ा बेवकूफाना सवाल है कि आप चाहती हैं कि सौरव तिवारी आपको पत्नी का ओहदा दे, साथ में रखे, यही चाहती हैं क्या? मतलब इस क्या लगता है आपको कि आपकी जो ये लड़ाई है, आपको अपना हक चाहिए, बच्चे का हक चाहिए, इस लड़ाई में जीत मिलेगी? हाँ, जरूर जीत मिलेगी। मैं सच हूँ, मैं मेरे साथ गलत हुई है, दोनों मिलके कर रही है। मैं एक बच्चा से उसका पापा का हक छीन रही है, ये बहुत बड़ी गलती नहीं है क्या? ये गलत नहीं कर रही है? जब तुम जानती हो सब कुछ, जानबूझ के क्यों कर रही है वे सब? उनके पास भी तो दो बेटा है ना। मैं तो उन दोनों का हक नहीं मानना चाहती हूँ। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, मेरे पति तो मुस्लिम है, फिर भी तो मैं बोल रही हूँ उनको भी रखो, बच्चा दोनों को भी रखो, उनको भी उसका पापा मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा से तो किसी को नफरत नहीं होना हो सकती है। मैं भी एक माँ हूँ, उस बच्चा को उसका पापा मिले, मेरे बच्चे को भी उसका पापा मिले, भाई मिले, परिवार मिले, सब मिले। मैं भी रहूँ, आप भी रहो। जब आप रह के आए हो तब दिक्कत नहीं होता, अब क्यों दिक्कत है? आप भी रहो। मैं नहीं बोल रही हूँ जो आप छोड़ दो, रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप बड़ी हो, बड़ी किस तरह रहो, मैं छोटी हूँ, छोटी की तरह रहूँगी, फिर भी रह जाओ, फिर भी मेरे को हक दिला दो, मेरे को रखो, मेरे बच्चा से उसका पापा को मत छीनो। तो आप यहाँ पर किससे गुजारिश कर रही हैं, क्या क्या कह रही हैं? देखिए, पहले तो मेरा लॉयर ने बांग्लादेश एम्बेसी में, हाई कमीशन में उन्होंने एप्लीकेशन किया है G20 के टाइम पे। उसके बाद उसे उधर से प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, जो आपका एक भारत सरकार है, मोदी जी को रिकमेंडेशन किया है, मोदी जी का उधर से जो आपका अभी महिला कमीशन में है भेज दिया। तो अभी इधर से तो अभी मेरा लॉयर जो डॉक्टर ए पी सिंह सर देख रही है मेरा ये केस, जरूर मेरे को न्याय मिलेगी। भारत सरकार से मेरा बहुत उम्मीद है, क्योंकि आने से पहले मैंने हर जगह मेल करके आया हूँ, मुख्यमंत्री से भी मेरा उम्मीद है, उधर से भी फोन आया है, जरूर मेरे को न्याय मिलेगी। तो ये सोनिया अख्तर की कहानी है, सोनिया अख्तर को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, उनको उनका हक मिलेगा, उनके बच्चे को भी उसका हक मिलेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई बार, एक बार नहीं कई बार कहा कि शादी भले ही अवैध हो जाए, अवैध शादी से भी जो बच्चा पैदा होता है अवैध नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बार बार कहा है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ऐसी भी शादी से जो बच्चा पैदा होता है उसका पैतृक संपत्ति में हक होता है। अब देखते हैं, चूंकि ये लड़ाई सोनिया अख्तर बांग्लादेश की है, तो ऐसे में लड़ाई थोड़ी सी लंबी चल सकती है, लेकिन बाकी कानूनी लड़ाई के अलावा एक लड़ाई नैतिकता की भी है। सौरव तिवारी ने सोनिया अख्तर और उसके परिवार को झांसी में रखा, झूठ बोला कि पत्नी शादीशुदा होते हुए भी, पत्नी के होते हुए भी, बच्चे के होते हुए भी जाके वहां ऐसे बोला, उसके बाद बच्चा पैदा किया, और अब पत्नी और बच्चे को स्वीकार करने से मना कर रहा। एक हृदय विदारक कहानी है ये। हम भी उम्मीद करेंगे और आप भी उम्मीद करिए कि सोनिया अख्तर और सोनिया अख्तर के बच्चे को उसका अधिकार मिले, उसका हक मिले। कैमरामैन संजय राउत के साथ प्रभाकर मिश्रा, News24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।